यूट्यूब फैमिली सब लोग को नमस्ते और बड़े लोग को प्रणाम। और हम ये कहना चाहते हैं 365 दिन में औरतों को कितना आराम मिलता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। 365 दिन में पत्नियों को कितना आराम मिलता है। सरकारी नौकरी वाले हैं उन लोगों की एक दिन की छुट्टी रहती है, आराम करते हैं। आप पत्नियाँ रोज़ काम करती हैं, रोज़ काम करती हैं, रोज़ उनका काम है, उनका किसी दिन छुट्टी नहीं है। आज जिस दिन पति लोग का छुट्टी रहेगा रविवार के दिन, उस दिन तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पत्नी का। उस दिन तो छुट्टी लेने के बावजूद वो छुट्टी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, काम करते ही करते दिन बीत जाता है। पत्नियों को कब छुट्टी मिलता है? आराम कभी नहीं मिलता है करने का। कब आराम मिलेगा? आराम वो भी क्या मिलेगा, जब पत्नी को कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा शरीर, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। जब डॉक्टर बोले कि नहीं रेस्ट लेना है, वो भी एकदम चल ना जाए, एकदम सीरियस हो जाए, तब पत्नी को एक दर्द सहकर उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा काम से, मगर उसको दर्द रहेगा ही शरीर में, क्योंकि उसका तबीयत खराब है, वो चल नहीं पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी। आपका झाड़ू बर्तन झाड़ना माँजना, कपड़ा सपड़ा सब धोना, बच्चों को खिलाना टिफिन देना और पति का एक सब सेवा करना, वो सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका ज़्यादा तबीयत खराब है, यहाँ से वहाँ चल नहीं पा रही है, चक्कर आ रहा है, बोल नहीं पा रही है। तो उस समय एक चीज़ से छुटकारा मिलेगा, मगर एक चीज़ से छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि वो चल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है। तो आपको ये घर का काम नहीं करना है, तब नहीं करेंगे मजबूरी में। वो भी थोड़ा मोड़ा आराम आपको मिला तो आपको करना ही करना है, नहीं करेंगी तो ये आदत बनाई है, ऐसी ही आदत इसकी है। उसको 365 दिन में कभी आराम नहीं मिलता है, कभी आराम नहीं मिलता, वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, अपना काम करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर परिवार के लिए, सबके लिए चलता ही रहती है। कि हमारा घर टूटे ना, बिखरे ना, और सबको समेट कर रखें, क्योंकि वो सोचती है कि बिखर जाएगा तो बहुत बुरा गति होगा, इसलिए समेट को परिवार को समेट कर चलने से हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बिखरने से परिवार बिखर जाएगा और जो सोच है वो सोच वहीं रह जाएगा, और सब लोग बात सोचे समझे और परिवार को लेकर चलें तो अच्छा ही। एक पत्नी का दर्द आप लोग ज़रूर समझें कि हाँ उसको शरीर का भी आराम चाह रहा है, उसको भी तो आराम करना है। घर में बहुत लोग कहते हैं घर में करना ही क्या है, घर में बहुत सारा काम है, करो तो दिन भर करते ही रह जाओ, और ना करो, ना करने वाले के कुछ नहीं काम है, और करने वालों को कुछ ना कुछ काम ही काम है। आप लोग इस बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारा सहयोग करिएगा कि हाँ एक औरत के प्रति कितना औरत काम करती है घर में और बाहर। बाहर भी काम करना पड़ता है उसको खेती बाड़ी में, तो वहाँ भी जाना पड़ता है पत्नियों को काम करने के लिए, खेती बाड़ी में भी काम, खेती बाड़ी में भी करती है, घर का भी काम करती है। पति लोग तो घर का काम करेंगे ही नहीं, पत्नी भले बाहर का काम खेती का कर ले, कटवा ले, पिटवा ले, सब कुछ करवा ले, मगर पति घर का काम नहीं करते। हाँ एकाक पत्नी है जो अपना पत्नी का सहयोग करते हैं, मगर और कोई नहीं है कि सहयोग कर ले, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग सोचने वाले हैं। ये जैसे पांच अंगुलियां है एक तर नहीं है, इसलिए संसार में सब लोग एक तर नहीं है, सबका सोच और व्यवहार अलग अलग है। 365 दिन का ये सब बातें हैं, किसी दिन पत्नी आराम नहीं करती है, वो करती ही रहती है, कभी बच्चे के लिए, कभी परिवार सास ससुर के लिए, कभी पति के लिए करती ही रहती है, कभी अपने लिए भी करती है, मगर कोई सहयोग नहीं देता है। ससुराल की बात कर रहे हैं, मायका का तो बात बहुत अंतर है, माँ बाप रहेंगे तो ज़रूर करेंगे, और भाभी लोग हैं तो वो भी लोग सब सोचे समझेंगे अपने की तरह, तो भी सहयोग करेंगे,
मगर पति लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करते क्या घर में, तो आप लोग बताइएगा कि पत्नियां करती क्या है घर में, बच्चों को संवारना कितना बड़ी बात है। एक दो घंटा बाद छोड़ दिया जाए तो नहीं संवार पाएंगे लोग, कहेंगे परेशान कर दिया है, ये इधर नहीं जाने दिया था, वहाँ जाना था, वहाँ नहीं जाने दिए। पत्नियाँ कैसे करती हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही खुशी महसूस हो परिवार हमारा फैमिली सब लोग को। बाय बाय।